नमस्कार आप सभी को अपने वीडियो क्लासेस में। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप हम लोग लेके आए हैं। तो वो जो टाइप है ये है मास्टर फार्मूला के आधार पे। मास्टर फार्मूला मैं अभी आपको बताया नहीं हूं, मास्टर फार्मूला मैं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चंस में हम लोग लगभग तीन चीज ज्ञात करने के आधार पर आ सकता है। क्रय मूल्य दिया है, लाभ परसेंट दिया है, हानि परसेंट दिया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना आएगा तो भी हम लोग इसको इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। यदि विक्रय मूल्य दिया गया हो तो क्रय मूल्य निकालना, तो भी हम लोग फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया गया हो और लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करना हो तो फिर हम लोग यही फॉर्मूला लगा। इसको आप लेवल वन भी लिख सकते हैं, लेवल वन लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सभी बच्चों को मैं बता दूं कि फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद में आपको परसेंटेज वाला, फ्रैक्शन वाला, जो परसेंटेज में हम पार्ट सिक्स या फाइव या सिक्स में देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन पार्ट फाइव या सिक्स में मैंने इसको बेहतर तरीके से बताया था कि फ्रैक्शंस को कैसे, फ्रैक्शन से कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो वही फ्रैक्शन वाला, सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे। मास्टर फॉर्मूला लिखिएगा, सीपी गुने 100 माइनस परसेंटेज 1 बटे 100 गुने 100 माइनस परसेंटेज 2 बटे 100 इंटू 100 माइनस परसेंटेज 3 बटे 100 बराबर में, मैं नीचे लिख देता हूं, बराबर में होगा विक्रय मूल्य। जैसे यहां प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। यहां पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, कल ही मैंने बताया था कि वृद्धि को सदैव प्लस में लिखा जाता है, कमी को सदैव माइनस में लिखा जाता है। प्रॉफिट को वृद्धि कहा जाता है, लॉस को कमी कहा जाता है। यहां पे लिख लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे और लॉस परसेंट रहेगा तो हम लोग इसको माइनस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, अधिक क्रय मूल्य लाभ परसेंट दिया गया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहां पर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इसमें फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रैक्शन से ही मैं इसको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन उन सभी बच्चे लोगों के लिए जो बेसिक के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो इसको आप लोग जरूर लिख लेंगे, कॉपी किताब निकाल के एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन और एक एक पॉइंट भी सब लोग नोट करते जाइएगा, तभी आपको बेहतर और क्लास लगेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि ए ने किसी वस्तु को 5000 रुपए में खरीदा। ए एक कोई आदमी होगा या कोई लड़का होगा, उन्होंने एक सामान को 5000 में खरीदता है, मतलब 5000 पूंजी लगाया और उन्होंने खरीदा। उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया, मतलब ए ने 20% लाभ लिया और उसको बी को दे दिया, 20% प्रॉफिट पर बी को दे दिया। बी ने भी उसे 10% लाभ लेकर बेच दिया। अब बी ने, ए ने बेचा, बी ने खरीदा, और बी ने खरीदा जब तो बी ने भी कुछ दिनों के बाद उसको 10% लाभ पर बेच दिया। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट मतलब प्लस होता है और लॉस परसेंट मतलब माइनस होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मेट बैठाऊंगा। तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, ये यहां पर सीपी के जगह में हम लोग इसको रखेंगे, परसेंटेज वन हमारा 20% होगा और परसेंटेज टू हमारा 10% होगा और दोनों लाभ में है, मतलब दोनों प्लस में होगी। तो यहां पर सीपी के जगह हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 5000 गुने 100 प्लस 20% लाभ है, मतलब 20 प्लस करेंगे, 20 प्लस करेंगे 100 प्लस, ठीक है। और दूसरा है 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट है मतलब 100 प्लस 10, क्लियर है। अब क्वेश्चन कहता है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा आराम से। पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत ही शिद्दत से इसको आपको मैं बता रहा हूं बेहतर तरीके से। अभी मैं फ्रैक्शन से एक लाइन में आंसर बताऊंगा, अभी ध्यान देंगे आप लोग। ये है, आप आराम से 2 0 और 2 0, 4 0 से 4 0 आपने काट दिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 600 हो गया, फिर 11 से अगर हम लोग 6 का पढ़ाएंगे, 6 8 100, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 6 8 100 रुपया होगा। ये हम लोग एकदम इजी से इजी समझिए कि बहुत बेसिकली रूल हो गया,
जिससे हम लोग किए। अभी मैं बार बार मैं कह रहा हूं इसे हम लोग फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन के लिए सभी को फ्रैक्शन जानना बहुत जरूरी है। मैं जो बताया था परसेंटेज में मैं पढ़ाया हूं, पार्ट 5 या 6 होगा, आप लोग उसे जरूर देख लेना अगर दिक्कत होगा तो, लेकिन तब भी यहां पे मैं क्लियर करवाऊंगा। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन सीपी, ये मैं मिटा रहा हूं बेटा। अब यहां पे एक चीज सभी बच्चे ध्यान देंगे, 5000 में खरीदा और उन्होंने 20% लाभ लिया, 20% लाभ, लाभ को हमने बोला है, लाभ मतलब होता है वृद्धि, लाभ मतलब वृद्धि और हानि मतलब होता है कमी, एकदम इस बात को जानिएगा। तो 20% प्लस है, तो 20% मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने, 1/5, और जब 20% प्लस में हो जाएगा तो 1/5 क्या चीज में चेंज हो जाएगा, 20% मतलब होता है 1/5, और 20% लाभ दिया गया तो 20% लाभ दिया मतलब 5 में 1 हो जाएगा ये 6/5, और 10% मतलब क्या दिया गया, मैं इसलिए इतना बता दे रहा ताकि आपको दिक्कत ना हो 10% मतलब होता है 1/10, लेकिन 10% लाभ है मतलब 10% प्लस है, तो 10% प्लस में मतलब हो जाएगा आपका 11/10, ये हर जो है अंश में जुड़ जाता है 11/10, ये इसलिए मैं बता दिया, बार बार तो ये मैं नहीं करूंगा लेकिन पहली टाइम्स में बता रहा हूँ फ्रैक्शन से, जिस कारण से क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। परसेंटेज में एक वीडियो लगभग हम लोग 30 से 35 मिनट ही केवल फ्रैक्शन के ही आधार पे है, आप उन्हें देखेंगे जरूर। अगर यहाँ पर आपको ये आप पहली वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे गौर कीजिएगा। अब मैं ये मिटा रहा हूं, तो जैसे मैं कह रहा हूं 20% वृद्धि, तो जैसे 20% मतलब होता है 1/5, और 1/5 में जैसे वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 6/5, तो क्वेश्चन में 5000 है, 5000 को लिख दीजिए, और 20% की वृद्धि मैं यहीं पर दिखाऊंगा आपको, ये प्लस हो जाएगा, 20% मतलब होता है 1/5, जब 1/5 होगा तो 20% मतलब 1/5 होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6/5, लिख लीजिए 6/5, और यहाँ पे 10% लाभ है, 10% मतलब होता है 1/10, जब 1/10 प्रॉफिट होगा तो हम लोग उसको लिखेंगे 11/10। आप आराम से बना सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे 100 होगा, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, 100 × 66 इसका आंसर आ गया 66। तो ये देखिए फ्रैक्शन से आपको बहुत ही अधिक आसान होगा। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैं दिया हूं दोनों क्वेश्चन को हम लोग ये टोटल फ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, और फ्रैक्शन से जल्दी बनेगा। कुछ बच्चे लोग क्लास में भी जिद्दी करते हैं, सर ऐसे ही जल्दी फॉर्मूला पर बैठाने से जल्दी होता है, तो ऐसा बात नहीं है बेटा, आप इस फॉर्मेट पे बनाना आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। जैसे भी देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, आप लोग सभी बच्चे लोग जितना वीडियो को आगे बढ़ाएं, जितना आप मुझको प्यार दें उतना मैं और मेहनत से जी जान से लगा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर टू है, ए ने किसी वस्तु को 6000 में खरीदा, मतलब सीपी ए कर लिए क्या आ जाएगा 6000, उसने 16 सही 2/3%, ये बहुत जरूरी याद रखिएगा, फ्रैक्शन में वो याद रखिएगा और ये याद रखिएगा, क्योंकि वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, क्वेश्चन कहता है प्लस में, तो 16 सही 2/3% मतलब क्या होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है, और जब लाभ होगा तो प्लस होगा, तो 1/6 में जब हम लोग प्लस करेंगे तो उसको 7/6 ट्रीट करेंगे हम लोग, और बी को दे दिया, अब बी ने उस वस्तु को 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% को हमने क्या बताया था 1/7 होगा, और यहाँ पे लाभ है, लाभ मतलब प्लस होगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, देखिए कितना आसान से बनेगा सॉल्यूशन है, इसको लिख दीजिए 6000 और 1/6 लाभ होगा, 1/6 लाभ होगा, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 7/6, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 14 सही 2/7% का लाभ मतलब 1/7 से बढ़ जाएगा, हो जाएगा 8/7, बहुत ही आसान, 7 से 7 आराम से यहाँ पे काट सकते हैं, काटते समय हमने दूसरा कलर का यूज किया है, 6 से यहाँ पे काटिएगा 1000 होगा, और 1000 को 8 से गुना करेंगे 8000 हमारा आंसर है, ठीक है। तो फ्रैक्शन से देखें बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा आपको। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन पहले देखिएगा, क्वेश्चन को मैं पढ़ते जा रहा हूं और क्वेश्चन को मैं समझाते जा रहा हूं, तो सभी बच्चे लोग गौर से देखें, मोहन ने किसी वस्तु को 7000 में खरीदा, मोहन ने पूंजी कितना लगाया 7000, मोहन ने पूंजी लगाया 7000, लिख दीजिएगा यहाँ पे 7000, और उन्हें 14 सही 2/7% लाभ, 14 सही 2/7 मतलब मैंने लिखा 1/7, 14 सही 2/7% का लाभ मतलब
1/7 कथा लेकर सोहन को दे दिया। कुछ दिनों के बाद सोहन ने 12.5% लाभ लेकर 12.5% को हम लोग बोले थे क्या 1/8 12.5% को 1/8 ठीक है लेकर जोहन को दे दिया। कुछ दिनों के बाद जोहन ने कुछ दिनों के बाद क्वेश्चन में बढ़ा दीजिएगा जोहन ने 11.1% लाभ लेकर बेच दिया। तो ज्ञात करें कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 11.1% को हम लोग लिखेंगे 1/9 ठीक है। तो यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा देखिएगा कितनी जल्दी आंसर इसकी आएगी। तो हम लोग यहाँ पे 7000 है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ये 7000 है 7000 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन कहता है 14.2/7% लाभ, जब 1/7 में लाभ होगा तो 7 से 1 ऐड हो जाएगा, कहने का मतलब 8/7 होगा 8/7। और फिर ध्यान दीजिएगा 12.5% 12.5% लाभ है मतलब 1/8 जो है वो 9/8 में हो जाएगा ठीक है 9/8 में हो जाएगा। तो यहां पर सभी बच्चे लोग 11.1/9 है मतलब 1/9, जब 1/9 में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है हो जाएगा 10/9। अब जहां तक बारी रही काटने की मैं हर फिर मैं यहां पे दिखा रहा हूं आराम से, अब 9 से 9 कट रहा है काट सकते हैं, मान लो इधर नहीं कटेगा इधर ही कटेगा 8 से 8 कट गया, 7 से काटिएगा कितना आएगा 1000, और जब 1000 को 10 से गुना कीजिएगा तो आंसर कितना आया 10000 ठीक है, ये 10000 आंसर आया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि क्रय मूल्य दिया गया है और अगर लाभ परसेंट और हानि परसेंट दिया गया है तो हम लोग वहां पे विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो अभी लेवल 2 में हम लोग देखेंगे, लेवल 2 में मैं आपको बताऊंगा यदि वहां पर विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ परसेंट दिया गया है तो हम वहां पे क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे ठीक है। उसके बाद लेवल 3 में हम लोग अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया गया है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो वो तो हम लोग अगले लेवल 2 में ध्यान देंगे। यहां पे लेवल 2 का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो अब हम लोग लेवल नंबर 2 के क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे वहां पे मैंने भी बताया था कि यदि क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और लॉस परसेंट दिया गया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और लेवल 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे यदि हम लोगों का विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ परसेंट दिया गया है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो सभी बच्चे लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है ए ने किसी वस्तु को खरीदा, ए ने किसी वस्तु को खरीदा, हमको उस वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं है, ए ने उसे खरीदा है और ए ने उसे खरीदा और उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। 20% मतलब होता है एकदम थोड़ा सा लिखते जाइएगा, 20% मतलब होता है 1/5, उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। अब बी ने उस वस्तु को 16.2/3% लाभ लेकर सी को 7000 में दे देता है, तो 16.2/3% को हम लोग 1/6 लिखेंगे, 16.2/3% को हम लोग 1/6 लिखेंगे। अब बी ने बेचा सी ने खरीदा, मैं आपको बता रहा था अगर एक पहला आदमी बेचता है दूसरा खरीदता है फिर दूसरा आदमी बेचता है तीसरा आदमी खरीदता है तो पहला का विक्रय मूल्य दूसरा का क्रय मूल्य फिर दूसरा का विक्रय मूल्य तीसरा का क्रय मूल्य होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में ये भी कह सकता है तो ए ने उसे कितने में खरीदा ठीक है, तो ए ने उस वस्तु को खरीदा कितने में खरीदा नहीं जानते हैं, उन्होंने ए ने उस वस्तु को ₹100 में खरीदा और उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ मतलब वृद्धि, 20% मतलब होता है 1/5 और 1/5 में वृद्धि होगा तो 5 और 1 6/5 फिर से, और उन्होंने 16.2/3% लाभ, तो 16.2/3 मतलब होता है 1/6 लाभ है, यहां पर भी लाभ है ध्यान रखिए लाभ मतलब प्लस होगा, जब 1/6 प्लस होंगे तो होगा 7/6 तो लिखेंगे 7/6 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 7000 दिया गया। अब यहां पर आप बेहतर तरीके से काटेंगे, काटिएगा कैसे 6 से 6 कट गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा जब 6 से 6 कट गया 7 से 7000 को काट सकते हैं, मैं पिछला बार भी बताया था कि इस तरह आप आराम से काट सकते हैं 7 से जब यहां बराबर हो तो ए पार्ट और ए पार्ट आराम से कटेगा, तो 7 से यहां पे काटिएगा, 7 से अगर हम इसको काटेंगे तो 1000 हो जाएगा ठीक है, और 1000 में जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो x बराबर जो होगी वो जाएगा हमारा 5000, ये आपका आंसर है क्योंकि ए ने इसे कितने में खरीदा था 5000 में खरीदा था ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बढ़िया से समझें, अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर देखिए, ए ने किसी वस्तु को खरीदा कितना में खरीदा नहीं जानते लेकिन उन्होंने
खरीदा, ए ने उस वस्तु को खरीदा और उसने 16 सही 2/3% लाभ लेकर बेच दिया। 16 सही 2/3 को हम इंडिकेट करना चाहेंगे 1/6, ठीक है। बी को दे दिया, फिर बी ने उसे 14 सही 2/3%, यहां लाभ लेकिन यहां हानि, यहां लाभ लेकिन यहां हानि, यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, तो 14 सही 2/7% को हम लोग 1/7 लिखेंगे, ठीक है। और बी सी को दे दिया और उसने सी ने उस वस्तु को 33 सही 1/3% लाभ, 33 सही 1/3% मतलब होता है 1/3 लाभ लेकर 8,000 रुपया में बेच देता है। तो ये ने उसे कितने में खरीदा था, यहां पे मैं बताना चाहूंगा, ये ने उसे एक्स में खरीदा था, कितने में खरीदा था, एक्स में खरीदा था, और उसने 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा, लाभ मतलब वृद्धि होगी, लाभ मतलब वृद्धि होगी, 1/6 है तो वहां पे हम लोग 7/6 लिखेंगे, एक्स गुना 7/6, फिर इंटू लिखेंगे, लाभ लेकर बेच दिया। फिर बी ने उसे 14 सही 2/7% हानि पर बेच दिया, 14 सही 2/7 मतलब होता है 1/7, जब 1/7 को हानि होगा तो 7 में ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, यहां पे लिख लीजिए 6/7 गुने 33 सही 1/3% लाभ, 33 सही 1/3 मतलब होता है 1/3, और 1/3 लाभ है मतलब प्लस होगा, तो 1/3 में प्लस करेंगे तो 4/3 बराबर, क्वेश्चन में दिया गया है बराबर यहां पर 8,000 इक्वल टू 8,000 में दे दिया, यहां लिख सकते हैं आप 8,000। तो अब काटना है, अब बेहतर तरीके से काटिए, यहां पे आप काट सकते हैं 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, क्रॉस में कट सकता है, फिर आप 4 से काट सकते हैं 8,000 को, 4 × 4 = 8,000 क्या हो गया 2,000, फिर आप x ये 3 इसमें जाके गुना हो जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 2,000 × 3, ये आपका क्या आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बेहतर तरीके से समझे, तो ये फ्रैक्शन मेथड बहुत ही अधिक बढ़िया है, मैं बार बार इससे बोलता हूं कि आप इसको बेहतर तरीके से करें, और बच्चों आप लोग बढ़िया से पढ़िए, जानदार तरीके से पढ़िए और बढ़िया रिजल्ट दीजिए, तब मुझे और खुशी लगेगी, इतना जो मेहनत कर रहा हूं तब मुझे और मजा आएगा जब आप घर बैठे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तब सवाल को देखिए, ए ने किसी वस्तु को खरीदा और उसने 11 सही 1/9% हानि पर बी को दे दिया, तो 11 सही 1/9% को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, 1/9 ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, 1/9 ट्रीट करते हैं, हानि पर दे बी को दे दिया। अब बी ने उसे 12.5% हानि पर दे दिया, इसमें सब हानि है मतलब कमी होगा, कमी होगा 12.5% 1/8 पर सी को दे दिया। अब सी ने उसे 14 सही 2/7% हानि, 14 सही 2/7 मतलब 1/7 होगा। तो यहां पे गौर कीजिएगा, जिनको केवल आपको फ्रैक्शन थोड़ा दिमाग में याद रखना है, और यदि फ्रैक्शन परसेंटेज में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, आपको 4-5 चैप्टर बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत बेहतर बनता है। अभी देखिएगा, ये ने किसी वस्तु को खरीदा, नहीं जानते भाई कितने में खरीदा, नहीं जानते हैं, एक्स में खरीदा, चलिए एक्स लिख लीजिए, और उन्होंने 1/9 हानि पर बेचा, 1/9 हानि मतलब 1/9 कमी होगा, तो 1/9 कमी होगा तो होगा 8/9, ठीक है। और उसके बाद कहता है बी ने उसे 12.5% हानि पर दे दिया, हानि मतलब 1/8, 1/8 में भी कमी होगा तो होगा 7/8, 7/8। अब यहां पे गौर करेंगे, फिर है उसे 14 सही 2/7% हानि, 14 सही 2/7 मतलब 1/7, 1/7 को अगर हम लोग लॉस करें लिख सकते हैं हम लोग यहां पे 6/7, और 6/7 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया लास्ट में 6,000। अब काटना है बहुत मजेदार तरीके से, जब भी काटिए बड़ा तलवार से काटिए, एकदम मजा आएगा तुरंत, देखिए कितना 8 से 8 खत्म, 7 से 7 काटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे 6 से आप इसको काट सकते हैं, काटिए 6 से काटेंगे 1,000, फिर 1,000 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 9 से गुना हो जाएगा, x बराबर 9 × 1,000, x बराबर हो जाएगा ये 9,000, ठीक है। बेहतर तरीके से लेवल 2 को भी हमने ये देखा, अब लेवल 3 में हम लोग देखेंगे, जहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों देगा, और वहां पे हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो बेहतर तरीके से इसको आप देखें, अब हम लोग लेवल 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लेवल नंबर 3 के ऊपर ध्यान देंगे बच्चों,
लेवल नंबर थ्री क्या है, मैं भी जस्ट बताया था, यहाँ पे लेवल नंबर थ्री कर लीजिएगा। तो लेवल नंबर थ्री यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्रय मूल्य दिया गया है, ए ने किसी वस्तु को 5000 रुपए में खरीदा और उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। ए ने 5000 में खरीदा और उसने बी को 20% लाभ पर दे दिया, 20% मतलब 1/5 होगा, ठीक है, बी को दे दिया। अब बी ने उस वस्तु को कुछ लाभ लेकर, लाभ नहीं पता है, तो लाभ नहीं पता है तो एक्स होगा लाभ, तो यहां पर इसको बनाते चलेंगे हम लोग। उन्होंने 5000 में खरीदा, 5000 लिख दीजिए, 20% लाभ है, 20% लाभ मतलब 20% की वृद्धि होगी, 1/5 में जब वृद्धि होगा तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 6/5। और कहता कुछ लाभ, लाभ हमको नहीं पता है, तो लाभ जब भी हम लोग लेंगे तो 100+ होगी, क्योंकि 120% होती थी तो हम लोग 100 में प्लस करते थे, हानि होती थी 100 में हम लोग माइनस करेंगे, तो लाभ हमको पता नहीं है, तो 100+x/100 बराबर, क्वेश्चन में दिया है सी को 7000 में बेच दिया। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग 7000, ठीक है। अब सभी बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो को आप बेहतर तरीके से काट सकते हैं, काट दीजिएगा। जब ये 3 जीरो से, क्योंकि ये बराबर था तो अंश वाले से अंश वाले को काट सकते हैं, तो ये 3 जीरो से वो 3 जीरो कट गया, और ये कट गया 5 से 5, खत्म। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास बच गया 600+x/100, उधर से जाके इंटू हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसको गुना कीजिएगा, 600+6x/700, 600 उधर जाके घट जाएगा, हो जाएगा 6x/700 में जाके 600 घटेगा तो हो जाएगा 100, 100 काट सकते हैं 2 से, 3x/50, x बराबर हो जाएगा 50/3 इक्वल टू कितना जाएगा 16/2/3%। एनीबॉडी डाउट? तो यहां पर बेहतर तरीके से देखें, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, अब उसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, देख रहे होंगे इतना एक एक टाइप का हम 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चे का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्यारे बच्चों, इतना मैंने बताया था कि आप इतना विश्वास कर लीजिए कि सर मुझे मैथमेटिक्स इतनी बढ़िया सिखा देंगे कि मैं खुद भी अभी आपको विश्वास नहीं होगा। जब आप पढ़ेंगे, जब आगे कंटिन्यू करेंगे, जब चैप्टर को हलवा बनाते हैं, तो उसके बाद मजा आएगा कि हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो ए ने किसी वस्तु को 6000 में खरीदा, ए ने किसी वस्तु को 6000 में खरीदा और उसने 16/2/3%, 16/2/3 मतलब 1/6 होगा, बी को दे दिया। फिर बी ने उसे 14/2/7%, 14/2/7% हानि पर सी को दे दिया, 14/2/7% हानि पर सी को दे दिया। अब सी ने उस वस्तु को x% लाभ लेकर 8000 रुपए में बेच देता है, तो x का मान क्या होगा? तो एकदम आराम से क्वेश्चन को लेते चले। ए ने किसी वस्तु को 6000 में खरीदा, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं यहां पे सॉल्यूशंस कर रहा हूं। ए ने 6000 में खरीदा, लिख दीजिए 6000, और उसने 16/2/3% क्या है, लाभ, लाभ मतलब क्या होता है, लाभ मतलब होता है वृद्धि, 1/6 को हम लोग लिखेंगे 7/6 गुने बी को दे दिया। फिर बी ने उसे 14/2/7 मतलब 1/7, 1/7 हानि है, तो हानि है तो क्या लिखेगा, 6/7, और कहता है दे दिया। सी ने उसे x% लाभ लेकर, लाभ मतलब 100+ होगा, यहां पे 100+x करेंगे 100 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 8000। तो आप बेहतर तरीके से काटिए, आपको मैं काटने का तरीका बताया, यहां से आप ऐसा कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, बेहतर कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया। फिर कैलकुलेशन, अब यहां से देखिएगा, ये 100 जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 100 जाके इंटू हो जाएगा, 6 से हम लोग गुना करेंगे 100 में, हो जाएगा 600+6x/800, 600 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 6x/800-600। तो लिख सकते हैं 6x=800 में 600 चला गया जाएगा 200, तब इसको काटिएगा 3x/100, x/100/3 33/1/3%, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का हम लोगों ने जाना कि x का मान जो निकला वो 33/1/3% निकला, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3,
तो क्वेश्चन नंबर थ्री है यहां पे, तो क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री ये है, बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इतने कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप बच्चे दो महीने बच्चे हैं एग्जाम में, दो महीने से भी कुछ भी दिन कम बचे हैं, 55 दिन बचे हैं। तो अगर रेलवे का एग्जाम्स है, यूपी पुलिस का एग्जाम्स है, उनके लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। और मैं उन बच्चों को भी बताऊंगा कि मैथ से कैसे आप कितने बड़े रिजल्ट पा सकते हैं। तो इन सबों का धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे बच्चों, क्योंकि अभी स्टार्ट किया हूं तो मोटिवेशन में तो मैं बहुत आपको बेहतर तरीके से मोटिवेट करूंगा। क्लासेस में जैसे बच्चे लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन अभी क्लासेस है तो मैं अभी एक दो वीडियो में अभी आगे बढ़ाता हूं, उसके बाद में मोटिवेशनल वीडियो भी तुरंत आपको मैं दूंगा जो आपको जज्बा जुनून एकदम आपकी मजबूत कर देगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये ने किसी वस्तु को 9000 रुपये में खरीदा, ये ने कितने में खरीदा, 9000 में, लिख दीजिएगा। ये ने उसे 9000 में खरीदा, ठीक है, और उसने 11 सही 1/9% हानि, मतलब 11 सही 1/9 मतलब 1/9 बी को दे दिया। फिर बी ने उसे 12.5% हानि, 12.5% को हम लोग 1/8 लेंगे, और सी ने उसे x% हानि पर दे दिया। तो 1/9 हानि है तो हम लोग वहां पे लिखेंगे 8/9, और फिर उसके बाद है 1/8 हानि है, जब हानि है तो हम लोग लिखेंगे 7/8, ठीक है। उसके बाद सी को दे दिया x% हानि लेकर 6000 में बेच दिया, तो 6000 में 100 - x/100 इक्वल टू 6000 है। अब यहां पे इसको काटेंगे तो बेहतर तरीके से 3 0 से 3 0 कैंसल्स, 8 से 8 काट सकते हैं, 1 9 से 1 9 काट सकते हैं, ये 100 उधर ले जाएंगे, बचेगा यहां 7, तो 700 - 7x = 600, 7x उधर ले जाइए, 6x को इधर ले जाइए, 700 - 600 = 7x। कहने का मतलब है 7x = होगा 100, x का मान हो जाएगा 100/7, जिसे लिख सकते हैं हम लोग 14 सही 2/7%। तो बहुत ही बेहतर तरीके से 9 क्वेश्चंस मैंने बताया जो बहुत ही जानदार तरीके से आपकी ये तो कभी प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। तो आप लोगों को देखें, आप लोगों ने इस तरह की ही आपको मैं प्रत्येक टाइप का, एक भी कोई कंफ्यूजन्स नहीं होगा, पूरी मैथमेटिक्स एकदम मैंने बोला था एक फुटबॉल की तरह बनके रहेगी, और आपको बनाना आपको है। सीएल सेट मैंने अपलोड किया है, आप उनको बेहतर तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन को सीखिए। आप इतना विश्वास कर लो, मैंने कल एक बात कहा था कि भगवान पे जितना विश्वास करते हैं, यदि उतना हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करेंगे तो शायद वो व्यक्ति आपके लिए उतना जरूर करेगा, ठीक है कि नहीं। तो और आगे मैं ये बात तो मैं अधिक नहीं बोलना पसंद करता हूं, लेकिन अभी नई नई वीडियो है, आप बेहतर तरीके से अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो बच्चे चाहते हैं, आप लोग को लगता है कि सर हमारे लिए इतना वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज बच्चों वीडियो को अपने फेसबुक पे, आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम, जो भी है, ट्विटर है, तो जो भी आप सोशल मीडिया आप उनको सेंड करें, ताकि बेहतर तरीके से और मुझे एनर्जी मिले, और रोज सब्सक्राइबर देखूं, और मुझे और खुशी हुए कि नहीं मेरी मेहनत लोगों के पास पहुंच रही है, तब तो इतना और मजेदार तरीके से मैं पढ़ा पाऊंगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है बच्चों, आज के लिए टेक केयर्स, बहुत बहुत धन्यवाद।